Hello guys, welcome to my YouTube channel again. Today I'm gonna teach you a most famous Bruce Lee signature move, that is a sidekick. So without wasting any time, let's get on the video. So if you do a sidekick, want to do a sidekick, then you have to follow a few steps. So follow me. Step one is, you have to stand like this in a side position. आपको देखना होगा कि आपके दोनों पैर के बीच से एक लाइन जाए, ठीक ऐसे दोनों पैर के बीच से एक लाइन जाना चाहिए। बहुत सारे लड़कों को मैं देखता हूँ कि वो जब किक करते हैं उनका पैर इस पोजीशन में रखते हैं, तो ये ठीक है। जो किकर है या जो ताइक्वांडो आर्टिस्ट है या कराटे आर्टिस्ट है, वो साइड करके खेलते हैं, ठीक है। आप देखे होंगे ऐसे, बस ताइक्वांडो आर्टिस्ट जो है एकदम साइड रखते हैं, कराटे जो करते हैं एकदम साइड रखते हैं, तो यहाँ से उसे किक घुसाने में इजी होती है। बट आपको क्या करना है, अगर आपके किक को अनप्रिडिक्टेबल बनाना है तो आपको थोड़ा सा नॉर्मल बॉक्सिंग स्टंट्स में रहना पड़ेगा, जो हमारा नॉर्मल जेकेडी बाइजोंग स्टंट्स भी है। तो इस पोजिशन से आपको क्या करना होगा, पहला स्टेप, अपना जो लीड लेग है, जो सामने वाला लेग है, उसको बस पहले ऐसे उठाओ, फिर बस रखो। स्टेप वन एकदम इजी तरीके से दिखाता हूँ मैं। स्टेप वन ट्यू, ओके, देन फिर से स्टेप वन ट्यू। अब इस स्टेप को कुछ बार प्रैक्टिस करने के बाद जब आपको कंफर्टेबल हो जाए तो नेक्स्ट स्टेप में जाइएगा। क्या करना है, जो आपका बैक लेग है नेक्स्ट स्टेप, थोड़ा सा पीछे से पीछे ले आना है। फिर से दिखाता हूँ, ये बैक लेग है, थोड़ा सा पीछे से पीछे ले आना है। साइड से देखिए पोजिशन है, पीछे से ऐसे लाना है, फिर अपने पैर को फोल्ड करना है। अब स्लोली देखिए, तो स्टेप वन मैंने क्या दिखाया, जस्ट अप डाउन। स्टेप टू क्या दिखाया, वन टू। अब इस दोनों स्टेप को कॉम्बाइन करना है, ठीक है। अब जब हम कॉम्बाइन करेंगे तो अब जब हम कहते, तो थोड़ा सा इसमें जंप इंक्लूड होगा। कैसे, जैसे मैंने स्टेप वन टू दिखाया कि स्टेप वन ऐसा होगा, स्टेप टू ऐसा फोल्ड होगा, स्टेप थ्री के अंदर ये किक लॉन्च होगा। तो जब हम इसको कॉम्बाइन करेंगे तो हल्का सा जंप इंक्लूड करेंगे, कैसे, जो बैक वाला लेग है थोड़ा सा जंप आके पीछे आएगा। फिर से देखिए, सामने है, थोड़ा सा जंप लेके ऐसे, फिर से पोजीशन, जंप लेके ऐसे, ओके। साइड से देखिए, जब मैं पूरा थ्रो करता हूँ पोजीशन हूँ, ओके। लास्ट वन पोजीशन, तो यही है आपका किक। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आपको जब तक ये स्टेप्स कंफर्टेबल ना हो, आपको प्रैक्टिस करे जाना है। ऐसा नहीं कि बस एक बार या दो बार करने से आप सीख जाएंगे कि एक एक किक या एक एक फ्लिप या एक एक कोई भी ट्रिक्स, आप किसी भी स्पोर्ट्स में चले जाओ, आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोचते हो कि मैं बस एक यूट्यूब वीडियो देख लिया मैं सीख जाऊँगा, ऐसा नहीं है, आपको प्रैक्टिस भी करना होगा। यूट्यूब वीडियो जो है उनके लिए है जिनको सीखने का तो बहुत इच्छा है बट सीख नहीं पा रहे, फीस नहीं चुका पा रहे या कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो उनके लिए ये YouTube वीडियोस बनाया जाता है। बहुत सारे ऐसे मेरे YouTube दोस्त हैं जो वीडियो बनाते हैं औरों को हेल्प करते हैं, तो आप भी उससे उनसे जैसे हेल्प लेते हैं, उनको आपको हेल्प बैक करना है ऐसे कि आपको प्रैक्टिस करना है और उनको बोलना है कि हाँ मुझे फ़ायदा हुआ है, ठीक है। ऐसे उनको भी मोटिवेशन मिलता है, उनको उनका भी हेल्प होता है। तो आप प्रैक्टिस करें, आप अच्छे से सीखें, मुझे भी बहुत अच्छा होगा, अच्छा लगेगा कि अगर कोई मुझसे कोई कुछ सीख सके। तो आशा करता हूँ आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से सीखें। जय हिंद।